हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 5 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ आपका पेट के मोटापे के लिए। क्योंकि बहुत किसी का होता है ना कि जो पेट सिर्फ पेट का मोटापा जो होता है, पेट होता है, वो बाहर आ जाता है। कितना कोई पतले दुबले होते हैं, स्लिम होते हैं, लेकिन उनका जो पेट होता था सिर्फ वही बाहर आ जाता है। क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, खान पान ऐसा हो गया कि पतले आदमी का भी पेट निकल जाता है और जो मोटे होते हैं उनका तो निकल ही जाता है। तो आज मैं सिर्फ 5 एक्सरसाइज लेके आई जो बिल्कुल सिंपल है, आपको लेट कर करना है। और अगर आप इसे रोज करते हो ना तो जो आपका पेट का मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आपका जो शरीर है बिल्कुल एक शेप में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस 5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे पेट के मोटापे को हमेशा के लिए खत्म कर। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें हम जब करेंगे ना तो हर मतलब एक्सरसाइज जो भी करेंगे उसमें सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे, ताकि उसका असर हमारे पेटों पर, पेट पर ज्यादा हो, हमारे शरीर पर ज्यादा हो। और सांस के साथ जब आप लेते हो और छोड़ते हो और एक्सरसाइज को करते हो या योगा करते हो, तो उसका असर आपके ऊपर ज्यादा होता है। तो आपको करना क्या है, जैसे इस तरीके से मुड़ना है, दोनों पैरों को इस तरह से पहले लेट जाना है, आराम से दीवार के साइड में आ जाइए, बिल्कुल पैरों को इस तरह से ऊपर की ओर, बिल्कुल आराम से। जैसे इस तरीके से पैरों को ऊपर कर लिए, हाथों को आपको इस तरह से साइड में लगा देना है और एक पैर को उठा के इस तरीके से पीछे की ओर, और कमर को भी थोड़ा उठाना है। जैसे ये घुटना इस तरह से हो जाएगा, पैर ही वाला बिल्कुल सीधा, इस तरह से स्ट्रेच सीधा आ जाएगा और कमर भी पीछे से उठेगा। तो इस तरीके से जैसे इसको भी उठाए, कमर उठा, घुटना इतना टेढ़ा, तो ये पैर पीछे की ओर जितना ले जा सकते हैं उतना आपको करना है। जैसे 1, फिर इस पैर को 2, 3, 4, 5, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह सांसें लेना है और सांसें छोड़ते हुए इस तरह से आपको करना है। जैसे गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़े, और इस तरह से आप 10-10 का 3 सेट और 30 बार कम से कम कर ले। बिल्कुल सिंपल है, पैरों मतलब दीवार का सहारा लेके आपको करना है, पैर को इस तरह पीछे लेके जाना है, और इससे आपका जो पेट का मोटापा है ना, ऊपर और नीचे पूरा पे असर होता है बहुत ही अच्छा। और आप इस तरह से करके लास्ट में 30 सेकंड के लिए यहाँ पे रुके, हाथों को साइड में जैसे लगाए थे, आराम से बस आपको सीधा इस तरह से लेटना है। जैसा आप यहाँ 30 सेकंड रुके, गहरी सांसें ले, सांसें छोड़े नॉर्मल, उसके बाद आराम से पैरों को नीचे करके बिल्कुल सीधा हो जाए, और उतरने के बाद कम से कम इस तरह सीधा आपको 30 सेकंड के लिए इस तरह से बिल्कुल सीधा आराम से लेट जाना है। कुछ नहीं करना है, क्योंकि पैरों को हम लोगों ने ऊपर किया था, तो नीचे जब पैर करेंगे तो थोड़ा देर सीधा हो के आपको उतना ही देर 30 सेकंड के लिए रुकना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरीके से इतना मोड़ लेना है, इस तरह से लेटना है, और जो हाथे है ना, सांसें भरना और इस तरह से उठ के घुटनों को टच करना है। जैसे 1, सांसें लिए सांसें छोड़ते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से आपको 10-10 का 3 सेट और 30 बार करना है। बस अपने घुटनों को छूना है, थोड़ा सा उठना है, फिर नीचे, फिर घुटनों को छूना है, थोड़ा सा उठना है। और जिनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है ना, वो भी ऐसा करेंगे तो सिंपल तरीके से वो कर सकते हैं, और उनका यहाँ का जो है ना, यहाँ पे खिंचाव पड़ता है छाती के पास, जिसका बहुत ज्यादा पेट आ जाता है, एकदम छाती से सट जाता है, तो यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा असर होगा। और आपका यहाँ भी होगा नीचे में, जिसका नीचे लटक जाता है, कितना का ऊपर नहीं रहता, नीचे पेट हो जाता है, तो ऊपर नीचे दोनों पे असर हो रहा है। क्योंकि जब आप सांसों को छोड़ते हुए इस तरह झुकोगे ना, तो आप खुद देखिएगा कि आपका पूरा पेट पे इसका असर हो रहा है। तो इस तरह से आपको 10-10 का 3 सेट और 30 बार जरूर करना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको क्या करना है, पैरों को जैसे सीधा, दोनों हाथों को इस तरह से, और पैरों को एक साथ उठाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह लेके आएंगे और सिर को उठा के इस तरह से पैर के तलवों को आपको टच करना है। तो इस तरह से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बस इस तरह से आपको टच करना है पैर के तलवों को, एड़ियों को, जितना पकड़ सकते हैं, इस तरह से उठ के फिर आराम से रिलैक्स। तो इस तरह से आपको करना है बिल्कुल आराम आराम से, और 10-10 या 3 से 30 बार एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से पैरों को बिल्कुल सीधा, एक पैर को, और इसी तरीके से दोनों पैरों को इस तरह बिल्कुल सीधा कर लेंगे।
और अपने पैरों का, अगर आपको इस तरह करने में दिक्कत हो ना, तो आप दीवार का सहारा लेके जैसे हम लोग लेटे थे उस तरह से भी पैरों को दीवार पे रख के भी कर सकते हो। लेकिन आप बिना रखे भी करते हो ना तो इससे आपके जोर पड़ता है पेट पे जब आप इस तरह से पैरों को उठाते हो। तो इस तरह से आपको पैरों को अपने ऊपर करना है, हाथों को पीछे, और इस तरह से उठकर अपने पैरों के तलों के उंगलियों को छूना है। तो इस तरह आपको करना है, सांसें लेना, सांसें छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह 10-10 का 3 से 30 बार तक करना है, फिर आराम से रिलैक्स। एक्सरसाइज इसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह मोड़ के हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ लेना है और इस तरह से कमर को ऊपर की ओर उठाना है। थोड़ा देर यहाँ रुके, 20 सेकंड 30 सेकंड, फिर नीचे। तो इस तरीके से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करना है, फिर आराम से पैरों को सीधा करके रिलैक्स हो जाए बिल्कुल आराम से। तो दोस्तों, अगर आप रोज इतना से एक्सरसाइज कर लेते हो ना और बाहर की चीजों को खाना बंद कर देते हो, जैसे चीनी से बनी हुई चीजें और मैदे की चीजों को छोड़ देते हो, तो इससे जो आपका पेट का मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।